रही है दूरियां आपकी और आपके पति के बीच, हो रहे हैं रिश्ते हर दिन खराब। वो बदतमीज होता जा रहा है, बेजुबान होता जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है आपको कि आपको लगता है काश या तो मेरे कान ही खराब हो जाए या तो मैं यहाँ से निकल कर चली जाऊँ, परंतु इसकी इतनी सारी बातें मुझे ना सुननी पड़े। आपसे प्रारंभ करके आपके पिता, आपके भाई, आपकी माँ, आपके घर वालों को सबको समेट लेता है साथ में। आपके संस्कार, आचरण, आपकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई, आपका बचपन, सब पर उंगलियां उठाता है। मानो विवाह ना किया हो उसने आपके साथ एक बहुत बड़ी गलती कर दी हो। और यदि इतनी बड़ी गलती ये विवाह है तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती? हर वक्त वो तुमसे यही कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम किसी और के साथ चली जाओ, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तुम मायके बार बार क्यों जाना चाहती हो, कोई प्रेमी है तुम्हारा वहाँ? अर्थात आपका पति दिन रात आप पर शक करता है। आपके मायके से एक फोन कॉल भी आता है तो आपके पति, आपके सास सबके कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं ये यहाँ की शिकायत तो नहीं करती, कहीं वहाँ से इसका कोई चाहने वाला तो नहीं। अर्थात गलत गलत बातों से आपका ये वैवाहिक जीवन बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ रहा है। और घर में भी जो आपकी जेठानी है, आपकी देवरानी है, आपकी ननद है, आपकी सास है, किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी है इस घर को बिगाड़ने में। हर कोई यही चाहता है कि आपका पति आपसे प्रेम ना करे, आपके करीब ना जाए, आप उसे आकर्षित ना कर पाए, वो आपको आकर्षित ना कर पाए। और इस दूरी के बीच बहुत लोग हैं। आप चाहते हैं कि आपके पति और आपके बीच कोई ना हो, एक तो ऐसा रिश्ता हो जो सिर्फ आपका हो, परंतु इस रिश्ते के बीच एक नहीं अनगिनत लोग हैं जिसकी वजह से आपका पति आपका हो ही नहीं पाता। थोड़े से गंगा जल से आज एक ऐसा अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ, आज एक ऐसी प्रक्रिया बताने जा रही हूँ, आपका पति दुनिया से लड़ जाएगा आपके लिए। चाहे कोई कितना चीख चीख कर झूठ बोले आपके लिए, आपका पति आंखें बंद करके आप पे विश्वास करेगा। ये तो दूसरों की बातें सुनकर तुरंत आता है, आपसे लड़ाई झगड़े करने लगता है, आप पर शक करता है, उंगलियां उठाता है, अपनी माँ की बात में आकर आपको छोड़ने की धमकी देता है। ये सारी खत्म हो जाएंगी फिर देखो प्यार में कितना आगे जाओगी, कितना सुंदर होगा माहौल आपका, शुक्र कितना मजबूत हो जाएगा। ये जो रो रही हो, सिसक रही हो, आपको लग रहा है आगे का समय मुझे मायके में काटना पड़ेगा, इस ससुराल में दम घुट रहा है आपका, जीना मुश्किल लग रहा है, यही घर स्वर्ग से सुंदर लगेगा, वही पति जो दूर जा रहा है, रात्रि में देर से आता है ताकि आपके साथ समय ना बिताना पड़े, तुम्हें कोई बात नहीं बताता, घर में कोई भी बड़ी अच्छी बातें हो रही हो उसमें आपको शामिल नहीं किया जाता। यदि तुम्हें सिर्फ एक खाना बनाने के लिए, तुम्हें सिर्फ कपड़े धोने के लिए, इस तरह के कामों के लिए तुम्हें रखा गया है, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस घर में सदस्य नहीं हूँ, सिर्फ काम करने की एक चीज हूँ, तब करना ये प्रयोग, फिर कैसे इस घर के परिवार के सदस्यों के बीच आप अपना एक स्थान बना लोगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। यदि पति और आपके बीच देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है परंतु आप जानती हैं कि हम दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं, तब करना ये प्रयोग। यदि पति आपको कपड़े देता है, खाना देता है, आपसे बात करता है, लेकिन मन ही मन हृदय नहीं मिल रहा दोनों का, प्रेम नहीं हो पा रहा दोनों के बीच, तब करना यह प्रयोग। फिर देखो अपने पति को कैसे तुम्हारे प्यार में पागल होता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। एक भी रिश्ता नहीं टूटेगा, एक भी तलाक नहीं होगा, घबराना मत। ये वशीकरण ऐसा है जिसे करने मात्र से तुम्हारा पति तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको थोड़ा सा गंगा जल चाहिए, परंतु गंगा जल बिल्कुल गंगा जल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई जल ले आया और वो गंगा जल आपने कह दिया। गंगा जल का अपना एक ऑरा होता है, एक रश्मियां होती है, मैं क्या कहूँ कि वो अपने आप में एक जादुई चीज होती है। तो आपको ओरिजिनल गंगा जल, या कोई आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो खुद लेकर आते हैं, घर में छिटने के लिए, पूजा के लिए आप वहां से कलेक्ट करें,
देख समझ कर ले, गंगा जल मतलब गंगा जल ही चाहिए आपको। लगभग 20-30 ml गंगा जल चाहिए आपको। एक छोटे सी शीशे के ग्लास में गंगा जल भर लीजिए। शीशा में ही होना चाहिए ताकि पात्र का कोई भी असर ना हो। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके आप बुधवार के दिन बैठे। आप जो शरीर पर वस्त्र पहने उसमें कोई भी काला ना हो, जिस आसन पर बैठे उसमें कोई भी काले रंग का प्रयोग ना हो। ध्यान दीजिए, इस गंगा जल को अपने सामने रख लीजिए, उसके ऊपर दाहिना हाथ, उसके ऊपर बायां हाथ रख लीजिए। आंखें बंद करके प्रथम अपने पति की अनुभूति कीजिए, उसे देखने का प्रयास कीजिए। उसने जब भी आपके साथ अच्छे से बात की हो, प्रेम किया हो, आप पर विश्वास किया हो, कुछ तो अच्छे पल आप लोग साथ बिताई होंगी, कुछ तो अच्छी बातें हुई होंगी दोनों के बीच, उस बात को याद कीजिए, स्मरण कीजिए। पति का चेहरा बिल्कुल दिखाई देने लगेगा। आप पति का चेहरा आंखें बंद करके भी देख सकती हैं, और यदि आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप अपने कंसंट्रेशन को इतना बढ़ा सकती हैं कि आप आकाश की ओर देखना चाहें और पति का पति की छवि देखना चाहें, तो ऐसा करें, बड़ा अच्छा होगा। जब पति दिखाई देने लगे तब आपको यह मंत्र 97 टाइम, यानी एक माला में 108 बार होती है, आपको 11 बार अधूरा रखना है, 97 टाइम 97 बार इस मंत्र को जप करना है, गंगा जल पर दोनों हाथ ढक कर। आपको मंत्र कहना है, ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम सर्वस्य वसम नमः। ओम सर्वस्य वसम नमः। इस मंत्र को 97 बार बोलकर इस जल को अभिमंत्रित कर ले। चलिए, ये तैयार हो गया है। जिसके भी सामने जाकर आगे की प्रक्रिया करेंगे, वो आपकी जुबान बोलेगा, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, वो आपकी हर बात मानेगा। ध्यान से सुनिए, उसी वक्त जब ये अभिमंत्रित आप करती हैं, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल अपने कर में ले लीजिए, ऐसे हाथ की जो थोड़ा सा ढाल लीजिए इसमें, थोड़ा सा, बाकी रहने दीजिए। अपने पति के सामने जाइए और शेष रह गया यह मंत्र 11 बार। 108 की माला होती है, आपने 97 बार कहा। पति के सामने 11 बार इसी मंत्र को आपको पुनः कहना है। ओम सर्वस्य वशम नमः, ओम सर्वस्य वशम नमः, ओम सर्वस्य वशम नमः 11 बार कहकर इस जल को आपको अपने पति पर छीट देना है। आप इस मंत्र को मन ही मन बोले, आप पति को छुप छुप कर देख कर भी इस मंत्र को बोल सकती हैं, और पानी छीट दीजिए। उसके बाद वो कोई भी सवाल पूछे, आपने कहा कि कुछ नहीं, आपको कुछ भी बात को टाल देनी है, परंतु इस जल को आपको अपने पति पर छीटना ही छीटना है। केवल इतना करने मात्र से आप वो परिणाम देखेंगे, आप वो बदलाव देखेंगे अपने हस्बैंड में, जो शुरू से आप अपना देखना चाहते हैं, परंतु ये दिन कभी देखने को मिलता ही नहीं। करके देखिए, यही पति दीवाना हो जाएगा, तड़प उठेगा आपके प्यार में। नई नई शादी हुई थी ना, वैसे दिन वैसे बाहर ना आ जाए जीवन में, तो कहिए वही पति पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में, करेगा आपकी गुलामी, मानेगा आपकी हर बात। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। मेरी बहनों, खुश रहना है, रोना नहीं है, मुस्कुराना है, रिश्ता नहीं टूटेगा, विश्वास रखिए। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।